तो नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलरफुल नेचर के साथ। मैं हूँ आपके साथ सुबह मॉर्निंग में। जाहिर सी बात है कि अगर कोई बंदा जॉब जाता है तो लंच बॉक्स तो साथ लेकर ही जाएगा। तो मेरी मम्मी ने मेरे को पूछा कि लंच बॉक्स लेकर जाएगा तू? अरे यार, ये तो कोई पूछने की बात है यार। एग्जैक्टली, मैं लेकर जाऊँगा। खामा खाम मेरी माँ के साथ मेरा सुबह सुबह लफड़ा हो गया। तो यार क्या, सो गाइस, ये जो छोटा लड़का है जो हमारी साइड पर आता है उसकी मम्मी पापा के साथ, तो जब भी मेरे को देखता है ना, मेरे को देखकर खुश हो जाता है, तो तुरंत मेरे पास आ जाता है। हाय बोल दो बेटा। हाय हाय, क्या नाम है तेरा? क्या नाम, क्या बच्चू? इसको अभी तक ये अपना नाम जानता नहीं है, इसको भी अभी तक इतना प्रॉपर बोलना नहीं आता है ना। छोटू जस्ट ऑन ड्राइविंग पर मैंने वीडियो शूट किया, पर मैं अपने सारे दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी ये काम मत करना, ऑन ड्राइविंग पर कभी भी वीडियो शूट मत करना। मैंने अभी किया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। ये सिग्नल अभी बंद था इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं ये बात बता दूँ। पहले गुजरात अहमदाबाद में इतना सारा पानी भर चुका हुआ है ना बारिश की वजह से, तो ये आप देख सकते हो कि कितना सारा पानी है। और ज़्यादातर मेरा क्या है ना कि बाहर का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो कल भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारी बारिश गिरी हुई थी और ऐसे पानी भर चुका हुआ था और मैं व्हीकल लेके निकला हुआ था, तो मेरी व्हीकल कल भी फंस चुकी थी। तो मैंने सोचा भाई आज मुझे नहीं निकलना है। उसका रीज़न है कि आप सामने देख सकते हो, वो जो बंदा दिख रहा है ना आपको, वो भी ऐसे गाड़ी लेके फंस चुका है, तो कल ऐसे मैं भी फंस चुका हुआ था। तो आज तो मैं कहीं और से कुछ निकलने का जुगाड़ करूंगा, बट सॉरी, आज मैं फिर से यहीं से नहीं निकलने वाला। और जहां पे भी ऐसा पानी होगा ना भाई, मैं तो अपनी व्हीकल लेके बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा। आप भी मत निकलिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि अगर वहां पे अगर कोई गटर जो होती है वो खुली है या बंद है, आपको पता नहीं होगा। तो प्लीज़ आप भी केयरफुल। सोसाइटी का नाम है एप्पल फूड्स। तो अभी मेरा नंबर योगेश चौहान, ये जो है वो उनको तो पहले डिटेल्स तो देनी पड़ेगी। ग्राउटिंग नाइन फाइव थ्री सेवन फाइव सिक्स थ्री वन वन। पूरा नंबर दे दूंगा तो तुम कहीं मुझे कॉल ना करो, इसीलिए मैं निकलू अंकल। अरे वो दिखाओ गाड़ी नंबर। गाड़ी नंबर देख लो, सारी चीज़ें भाई दिखानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं चले जा सकते हम। किसी की सोसाइटी है भाई ये तो। हम निकले अंकल। अंकल हम निकले। उन्होंने परमिशन दे दी है जाने की हमें। मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आपका भी खाना कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बिग बॉस की जो एक्स कंटेस्टेंट्स है पायल मलिक का एक वीडियो मैंने अभी जस्ट इंस्टा पर देखा, और पायल मलिक बोल रही थी शिवानी के बारे में कि शिवानी बहुत ही अच्छी हिंदी में बात करती है, तो कभी कभार वो अपनी बिहारी लैंग्वेज में एक तरफ बात करती है तो एक तरफ हिंदी में बात करती है, तो उसको पता है कि उसे बहुत अच्छी हिंदी आती है। तो मैं आपको पायल मलिक, आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो शिवानी है वो अपनी मदर टोंग कभी नहीं भूल सकती है। जाहिर सी बात है कि आप भी अपनी मदर टोंग कभी नहीं भूल सकते, राइट? तो शिवानी अपनी मदर टोंग नहीं भूलती है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं जाना है या मुझे किसी से कोई बात करनी है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मेरे वर्ड्स कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे गुजराती में, है ना? तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा एक और, कि जब आपको बोलना था तब आपने बिग बॉस के घर में कुछ नहीं बोला और एक ही वीक में आप घर से बाहर निकल गए, है ना? रही बात बाहर आने के बाद बोलने की, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब आपको बोलना था तब आपने कुछ नहीं बोला, और जब आपको नहीं बोलना है वहाँ पर आप कूट कूट कर कॉन्टेंट दे रहे हो, ठीक है?
रही बात दूसरी कि शिवानी जो बहुत ही अच्छा खेल रही है, जैसा भी खेल रही है पर बहुत ही अच्छा खेल रही है, तो मैं तो डेफिनेटली शिवानी एंड बाकी सभी घर वालों को सपोर्ट करूंगा। तो माया पायल जी, मैं आपको एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि हर किसी में इतनी समझ नहीं होती है अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की या अपने वर्ड्स को प्रेजेंट करने की, है ना। हर किसी में इतनी समझ नहीं होती है। शिवानी अभी भी छोटी लड़की है, लाइक वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, है ना। तो ये चीज़ आप उसके बारे में तो ना ही बोले तो बेहतर होगा। सो गाइस, हम जो इंसान होते हैं ना, हम जितने बड़े होते हैं ना उतनी हमारी अकड़ भी बड़ी हो जाती है। हमारा एटीट्यूड ले लो, हमारा ईगो ले लो, ये सारी चीज़ें ना दिन बे दिन है ना बड़ी होती जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह मेरी माँ के साथ मेरा थोड़ा सा कलेश हो गया, देन आपको पता है उसका इफेक्ट कैसा पड़ा मेरे पे? पूरा दिन है ना इतना खराब गया हुआ है ना कि पूछो ही मत। किसी काम में मन नहीं लगना, उसी बात पर बार बार सोचते रहना एंड ऑल दैट। आज आप मानो कि मैंने अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बनाया, बट कोई ना भी, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ईगो हो या हमारी अकड़ हो या हमारा एटीट्यूड हो, वॉट एवर जो भी हो, उसको सारी चीज़ें ना खड्डे में डालो पर माँ से कभी मत उलझो। तो आज का मेरा ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आपको कल फिर मिलता हूँ एक नई गॉसिप के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नए जर्नी के साथ और एक नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड आप सभी को गुड नाइट।